फिनसिस के अंदर आज आप जानते हैं मोबाइल के ऊपर 10-12 साल से चल रहा है। फिनसिस में जो एंड्रॉयड ऐप है वो धीरे धीरे और इवॉल्व होती जा रही है, और रिसेंट टाइम्स के अंदर उसकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हमने क्रिएट करी हैं कि एंड्रॉयड पर नोटिफिकेशन भी उठ उठ के आएंगे। अपने आप बंद स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्स काम हो गया, वाई काम हो गया। स्पेशली मेंटेनेंस में हमने इसको खास इंप्लीमेंट किया है। बंसल जी, मेंटेनेंस एक्चुअली इसका पीछे लॉजिक ये था कि मेंटेनेंस के पीपल्स हैं वो जनरली फील्ड में होते हैं, उनको कैसे पता पड़े कि कौन सी मशीन ब्रेक डाउन में है गई और किस वजह से गई और उसकी क्या पोजीशन है। तो इसको देखते हुए हमारी डेवलपमेंट टीम ने जो काम किया, हमने मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स को एक तरीके से एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू लॉक करना शुरू किया विद फोटो। तो ये एक अपने आप में यूनिक फीचर है जिससे कि हमें इंस्टेंटली उसका नोटिफिकेशन जाता है उस पर्टिकुलर HOD के पास कि ये मशीन ब्रेकडाउन में हो गए, तो हमारा जो टाइम है वो मिनिमाइज हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पुनीत जी ने अभी इस टॉपिक पर जो डिटेल वीडियो मेंटेनेंस के ऊपर कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड करी थी, आप लोगों के पास इसी चैनल पे मिल जाएगी, पिछले महीने में है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन से कितना फ़ायदा हो रहा है। कि जब जब प्रॉब्लम हो रही है, लोग ये नहीं कह सकते सर मैंने आज रिपोर्ट्स देखी नहीं, मुझे पता नहीं चला। भाई फ़ोन तो है जेब में, अगर जेब में फ़ोन है तो नोटिफिकेशन आ गई, और नोटिफिकेशन अब तो भाई मिल जाएगी, टाइम पर मेरी मशीन ठीक कर दो ताकि मेरा ब्रेकडाउन ना हो, मेरा डाउन टाइम ना हो। आइए अब अंदर आपको दिखाते हैं ये कैसे चलता है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं नोटिफिकेशंस एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे निकलते हैं। नोटिफिकेशंस एंड्रॉयड फ़ोन नॉर्मल फ़ोन जो सभी के पास होते हैं, ये अभी आईफोन में फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, क्योंकि मेंटेनेंस को आमतौर पे लोग आईफोन नहीं देते, एंड्रॉयड फ़ोन भैया वो घर से लेके आते हैं। ठीक है, तो वो काम करो जो सबके काम में हो, सबका फ़ायदा हो। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि देखिए मैं मेंटेनेंस की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो तो आप डिटेल हमारा सॉफ्टवेयर देख ही लेंगे, ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे की वो वीडियो है। इसमें टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जब मेंटेनेंस असाइन हुई तो किसको जाना है वो भी तो चाहिए। तो मान लीजिए मेरे मेंटेनेंस सुपरवाइजर हैं मिस्टर एक्स, तो उनको मैंने कहा हाई अर्जेंसी प्रॉब्लम है, फ्रंट रोलर में आवाज़ आ रही है, ऑटो कॉरगेशन मशीन है। तो जैसे ही मैंने सेव दबाया, टिंग टांग, उस बंदे के फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइन हो गई है, तो मिस्टर संजय प्लान नंबर सो एंड सो, ये टारगेट डेटा, इस तारीख तक काम कर दो भैया, जल्दी कर दो। तो जैसे नोटिफिकेशन गूगल की वेदर की आती है, जैसे नोटिफिकेशन कई बार ईमेल्स की आती है, व्हाट्सएप की आती है, वैसे ही नोटिफिकेशन फिनसिस की आने लगी है। और जनाब सिर्फ अंग्रेजी नहीं, फोटो भी दिखाएगा। मान लीजिए आपने मेंटेनेंस की प्रॉब्लम करते हुए ये भी बताया कि भाई साहब ये फोटो है, ये देखो यहाँ से स्पार्किंग हो रही है, आवाज़ निकल रही है, ऑयल लीक हो रहा है, ये देखो ये जगह, तो जब आपने वो फोटो के साथ उसको सेव किया तो नोटिफिकेशन भी फोटो के साथ आएगी, तो नया मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया, भाई साहब ये प्रॉब्लम है। तो बड़ी धांसू चीज़ है। बंदा ये भी कह सकता है काम खत्म होने के बाद जब मैंने सेव किया तो उसकी नोटिफिकेशन उसके HOD को आ जाएगी, सर ये देखो ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आइए अब डिटेल में बताते हैं इन डिटेल ये काम कैसे होता है। हमने फिनसिस में क्या करा है कि ऐप के लिए भी हमने यूज़र्स के राइट को दिया है, यानी कि वहाँ पर अगर हम जो हमारे IT वाले हैं, IT कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको पता होता है कि हमें किस बंदे को नोटिफिकेशन के लिए वाई करना है। ठीक है, ये एक यूज़र मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि आगे हम बता देंगे। ये यूज़र मैनेजमेंट का पाथ है जो एक नॉर्मल पाथ है, और देखिए बटन का नाम है यूज़र राइट्स फॉर एंड फिनसिस ऐप, और ये ऐप तो अलग है, ERP अलग है, ये तो ये अलग मैं है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब लोगों से जो भी देख रहे हैं वो अपने IT टीम को बोलें कि हमारे को यूज़र्स राइट देना मैंडेटरी करें, ताकि जो फिनसिस का जो एड ऑन फीचर है वो सब लोग, ये इस टॉपिक से हटकर है लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ताकि कंट्रोल हो सिचुएशन का, ये नहीं कि सबको सब कुछ राइट्स दिख मिल रहा है, जाए। राइट मिल गए। इसके बाद हम जब यहाँ राइट ऐप फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर हम जब राइट्स देंगे तो यूज़र को हम लेंगे, यहाँ पर हमने फॉर्म को लिया, सेलेक्टेड फॉर्म हमने ले लिया। इसके बाद फॉर्म को टिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कौन सा ऑप्शन है मेरे एंड्रॉयड ऐप में, एंड उस ऑप्शन के अंदर आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन चाहिए था मैंने उसको नोटिफाई, हमने यहाँ पर उसको परमिशन दे दी कि इसको, इस मिस्टर संजय को नोटिफिकेशन जाने के राइट्स हैं। तो ये हमारा एक यूनिक फीचर हो गया जिसमें कि हमने यूज़र कंट्रोल के थ्रू सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। आगे चले तो हमने इसको राइट्स को सेव किया, राइट सेव करी तो बंदे को नोटिफिकेशन मिल गया, भैया आगे से तेरे को नोटिफिकेशन मिला करेंगे। अब तो जब अब डाटा जब इन एंटर, नॉर्मल कोड जब डेटा एंटर किया जाएगा, सेव किया जाएगा, तो एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को भी ये नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसका बेनिफिट क्या है कि ये माना जाता है कि मेंटेनेंस वाले फील्ड में हैं, जैसे ही उनको जॉब एलोकेट हुआ उनके पास नोटिफिकेशन आ गया एंड दे कैन डू देयर वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो इससे हमारी एफिशिएंसीज इंक्रीज होंगी, प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, दिस इज द होल थॉट। अमेजिंग दुनिया, अमेजिंग फिनसिस, फिनसिस
हर रोज़ कुछ नया कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग की सेवा में, आप लोगों के साथ, आओ देश को बेटर बनाएं, आए दुनिया को बेटर बनाएं। किस तरह से हम अपना समय बचा सकते हैं, समय ही इकलौती एक पूंजी है जो कोई दूसरा किसी तरह से ना सेव कर सकता ना वापस लेके आ सकता। तो अगर मैं मेंटेनेंस वालों का समय बचा सकूं, प्रोडक्शन वालों का समय बचा सकूं, डाइम टाइम बचा सकूं, तो मैं प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी सब बढ़ा सकता हूं। तो जो अभी शुरू में आपको दिखाया, लोकेशन भी आ रही है, देखिए मैं किस लोकेशन पर बैठा हूँ, ये GPS से लोकेशन आ रही है जो सिस्टम अपने सिग्नल से उठा रहा है। किस टास्क को पकड़ा, किस मशीन में क्या प्रॉब्लम थी, कौन सा सुपरवाइज़र है, उसने क्या किया। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सुनील, कह रहे हैं आई स्टार्टेड विद द एंगल ग्राइंडर, तो वो जो कर रहा है उसने उसकी फ़ोटो डाली और अगेन रेलेवेंट लोगों को नोटिफिकेशन आ गया, भैया तुम्हारे काम पे काम शुरू हो गया है। तो बहुत सुंदर चीज़, मेंटेनेंस डालते जाओ, कंप्लेन डालते जाओ, कंप्लेन के सोल्यूशन लेते जाओ। फोटो तो आपको खींचनी ही चाहिए ताकि एक विजुअल सबूत क्रिएट हो रहा है कि फिनसिस के अंदर आपने काम किया है, तो मतलब पक्का है। व्हाट्सएप पे भी क्या है, व्हाट्सएप 6 महीने बाद कहाँ से ढूंढ के लाओगे, कौन सा व्हाट्सएप, कैसा व्हाट्सएप। तो दिस इज़ द वे। यहाँ पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन भी मिल रहा है। सपोज करिए कोई ऑयल लीक हो रहा है, मेरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है क्योंकि ऑयल लीक हो रहा है। अब मैंने फोटो खींच के डाल दी, मेंटेनेंस वाले कह रहे हैं मैंने कर दिया, फॉर गॉड सेक अगर नहीं हुआ तो मेंटेनेंस वालों ने भी क्या किया कि उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीटेड टास्क की फ़ोटो लगा दी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे क्या हुआ, बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। यूट्यूब के ऊपर अगर आप फिनसिस मेंटेनेंस सर्च करते हो तो हमारे कुछ बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिलते हैं। ये है जो कंप्लीट डिटेल्ड ERP ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में बात होती है, दूसरा है जिसमें फॉरवर्ड है जिसमें कुनीजी ने बहुत डिटेल में समझाया है बहुत प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड एक्सीडेंटल मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, ये दोनों बहुत मेंटेनेंस के अच्छे वीडियोस हैं। इस तरह एंड्रॉयड से किस तरह कंप्लेन डाली जाती है मेंटेनेंस की, तो उसके बारे में ये वीडियो है 3 साल पुराना। तो ये सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, दे आर सिंपली फैंटास्टिक, मेकिंग लाइफ ईजी, मेकिंग योर बिजनेस बेटर, मेकिंग योर कंपनी डिजिटली एक्टिव। सो मस्ट सी ऑल दीज वीडियोज़।